पार्टी में जितने भी एनडीए में शामिल दल थे सबको बुलाया गया था और सभी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नीतियों कार्यों जो गरीब कमजोर पिछड़े गरीब वंचित शोषित के लिए जो काम 9 साल में हुए हैं उस काम पे सभी लोगों ने मुहर लगाई और आगे 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया। अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में सभी लोगों ने मेहनत करके 330 सीट प्लस दिलाने का संकल्प लिया। कोई अरे यार मन कर देखिए जो विपक्षी एकता हो रही है, अगर एक एक स्टेट की बात करें, हम यूपी से आते हैं, यूपी में खाता नहीं खुलेगा, यूपी में विपक्षी एकता का खाता नहीं खुलेगा। दूसरा स्टेट बताइए तो वहां का भी बता दें, इस नाते नहीं खुलेगा कि वहां डरे हुए लोग सहमे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए करता है, अपनी जान बचाने के लिए करता है। यहाँ देश के विकास के लिए, गरीब कमजोर के उत्थान के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, लोगों को बेहतर जीवन देने के लिए, देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए यहाँ काम करते हैं। लोग देश के विकास के लड़ाई में साथ हैं, जिस तरह देश की आज़ादी की लड़ाई में लोग साथ हैं, उसी तरह देश के विकास की लड़ाई में लोग साथ हैं, देश में अच्छा सुशासन लोग चाहते हैं। राजवर जी, कोई रोड मैप तैयार किया गया है या कुछ बताया गया सीटों की शेयरिंग का क्या है, फार्मूला क्या होगा? सीट का कौन झगड़ा है, जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बनावट तो सीट का कौन झगड़ा है, बस हो गया, ठीक है।